नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो में ऑटो पायलट कार या सेल्फ ड्रिवन कार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बिना किसी ह्यूमन इनपुट के चलाया जा सकेगा। आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि डेस्टिनेशन इंटर कीजिए मैप पर और गाड़ी खुद ब खुद आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार काम कैसे करती हैं। इस प्रकार की गाड़ियाँ कई तरह के सेंसर्स, कैमरास और सबसे अहम चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कार को नेविगेट करते हुए कार को ड्राइव करती हैं बिना किसी आदमी के मदद के। यानी ये गाड़ियाँ देख सकती हैं अचानक किसी गाड़ी, पैदल यात्री या फिर सिग्नल्स ना होने पर खुद को अपने आप रोक सकती हैं। क्या भारत में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ चल पाएंगी? क्या ये गाड़ियाँ उन गड्ढों, पतली सकरी सड़कों, पहाड़ी इलाकों या रोड पर किसी के अचानक आ जाने से खुद को संभाल सकेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी एडवांस सेल्फ ड्रिवन कार भारत में ज़रूर चल सकेंगे, लेकिन अभी के लिए भारत में ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं जो हाईवे पर या चौड़ी सड़कों पर, जहाँ पर वाइट मार्क्स पट्टी बनी होती है, उस पर चल लेती हैं। अभी तक भारत में लेवल 2 तक की ही गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, जिसे एडास फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। हम हाईवे पर कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैंडल छोड़ देंगे अगर, तो गाड़ी खुद ही चलने लगेगी, अपने से ही स्पीड और डायरेक्शन दोनों को संभालने लगेगी एडास फीचर्स की मदद से। भारत में सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स कार में महिंद्रा कंपनी की कार महिंद्रा XUV 700 सबसे पहले लॉन्च हुई और इस समय मार्केट में कुछ और भी गाड़ियां अपनी पहचान बना ली हैं, जैसे कि MG एस्टर, टाटा सफारी। इन गाड़ियों की कीमत एडास फीचर्स के साथ ऑन रोड प्राइस 20 से 30 लाख रुपए भारत में पड़ जाएंगी। डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ ड्राइविंग कार का? भारत में एक सर्वे के अनुसार 4 करोड़ लोग जो कि दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाते हैं और उसी से ही उनका रोज़गार चलता है, परिवार चलता है, ऑटो ड्राइविंग कार के आ जाने से इन लोगों की नौकरियाँ खतरे में पड़ जाएंगी। आखिर में हम आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कितना भी एडवांस कार लॉन्च हो जाए, गाड़ी खुद ही चलने लगे बिना किसी ड्राइवर के, अल्टीमेटली पैसे तो कस्टमर्स के ही जाते हैं, यूजर्स के ही जाते हैं। अगर हम टेस्ला कंपनी की बात करें जो कि भारत में अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो टेस्ला कंपनी अपनी कार्स में $12,000 का ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है ऑटो पायलट फीचर को एक्टिवेट कराने के लिए, जितने में हम एक ड्राइवर आराम से रख सकते हैं और गाड़ी चलाने के साथ साथ उससे गाड़ी साफ भी करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।